हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे लखनऊ में बारिश हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश रात में बहुत ज़्यादा हुई थी, ये देखिए सब बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और आज का ब्लॉग बहुत 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 ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, वो बाहर जो है फिजियोथेरेपी कराने गए, डॉक्टर ने लिखी थी, तो वहाँ 500 रुपये रोज़ यानी 500 रुपीज़ रोज़ ले रहे हैं। तो उन्हीं ने कहा कि मैं इतना महंगा नहीं कराऊंगा, तो फिर मैंने आइडिया लगाया तो ये मैंने मंगाया। ये देखें, ये किसी भी कंपनी का ले लें, ये पैराफिन वैक्स, इसी से वो लोग करते हैं, क्योंकि एक बार हम बाहर करा चुके हैं, मैं देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। पैराफिन वैक्स होता है, ये 250 रुपये का मिला है। और इसको करने का तरीका ये है कि ये पुराने बर्तन बिल्कुल जो आपके यूज़ के ना हो, ख़राब हो चुके हों, ये मैंने दो ले लिए। इसमें तो मैंने पैराफिन ये वैक्स निकाल लिया है और इसमें रखा है पानी। जैसे आप चॉकलेट को मेल्ट करते हैं उसी सेम वही प्रोसीजर है। ये पानी जब गर्म होने लगेगा तो इसको ये गैस पे रख देंगे, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है। और इसको मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है, ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है और ये मेल्ट होता जा रहा है। ये देखिए, ये वो वाला ब्रश है जिससे आप अपने बालों में हेयर ड्राई करते हैं, मैंने कल किया था तो उसमें डाल दिया और इसको निकालना भूल गए ना, तो ये इसी में जम गया। चलिए आगे दिखाते हैं। जब तक जो है वैक्स मेल्ट हो रहा है यानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने ये दो पुराने कपड़े निकाल लिए हैं। ये कोई भी पुराना कपड़ा जो बिल्कुल बेकार हो, ये दो पुराने कपड़े निकाल लिए हैं। इसको एक को तो नीचे पैरों के नीचे बिछा देंगे ताकि वैक्स गिरे तो उस पर गिरे, चादर ना गंदी हो, और ये इसके ऊपर एक ढक देंगे, जब मोम लगा लेंगे ना तो उसके ऊपर से ये ढक देंगे। ये दो कपड़े होना ज़रूरी है। और ये वैक्स को मैंने गर्म कर लिया। देखिए, वैक्स इतना गर्म होना चाहिए कि जितनी आपकी स्किन जो है वो सह सके, यानी इतना गर्म ना कर दे कि ताकि जैसे ही लगाएं तो छाले पड़ जाए, गर्म हो जाए। तो पहले आप इसको टेस्ट कर लें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बस इतना गर्म हो कि आपकी स्किन जले ना, तो इसको हम लगाते हैं। और इसको ये देखें इस तरीके से ब्रश से लगा देंगे। जल्दी जल्दी से इसको बार बार लगाएंगे ताकि ये थोड़ी सी मोटी सी परत हो जाए। इस घुटने पे भी लगा देंगे। मतलब यही थेरेपी जो है वो बाहर कराओ, यही थेरेपी बाहर कराओ तो 500 रुपये डेली पर डे मतलब देना पड़ रहे। तो उनको बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को खल रहा था। अब ये मिल गया है डिब्बा वैक्स का, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले लें, 250 रुपये का डिब्बा मिला है हमको तो। और ये आसानी से मेल्ट हो जाता है, चॉकलेट सभी मेल्ट करते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से इसको मेल्ट करें और इस तरीके से लगा लें। तो यानी 250 रुपये में आप पूरे महीने लगा सकते हैं। ये देखें, ये लगा दिया मैंने, और उसके ऊपर से ये एक कपड़ा इस तरीके से इसको कवर कर दें और फैन ऑफ कर दें। ये अब 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए, और ये आसानी से छूट जाता है, ये देखिए ये आसानी से छूट जाता है। इसको अब हम छुटाते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
ये देखिए सारा मोम मैंने साफ़ कर दिया है, ये सारा वैक्स ये सब साफ़ हो गया, और ये जो वैक्स सारा निकला है ये इसको हम इसी में डाल देंगे, इसको हम फिर से रीयूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, रोज़ करेंगे, रोज़ निकाल के इसी में डाल देंगे, फिर दोबारा गर्म कर लेंगे। कोई भी इस टाइप का हो उसे आप पैर से मोम निकाल लीजिए, इस टाइप का, इसे आसानी से मोम निकल जाएगा। यानी 500 रुपये रोज़ के फिजियोथेरेपी करने का मकसद है 15,000 रुपये महीना, और डॉक्टर ने 1 से 1.5 महीने तक कराने के लिए कहा था, तो यानी 15,000 के ऊपर जा रहा था। तो अब ये जो है मैंने 250 रुपये का डिब्बा लिया है, और 250 रुपये का डिब्बा जो है वो पूरे महीने क्या आप जब तक चाहें जब तक कर ले, क्योंकि ये मोम फेंका जाएगा नहीं, ये रीयूज़ हो जाएगा, छुटाया फिर उसी में डाल दिया। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, मुझको दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।